मैंने जिमें गुरुवार भगवान श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें युवाओं के लिए इस युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्जुन के लिए रही थी। उनका व्यवहारिक ज्ञान आज भी सफलता की गारंटी देता है। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली बल्कि वे अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण की 10 ऐसी सीख जो मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने के साथ सफलता दिलाती हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वे तो सन्यास से भी नहीं मिल सकती। आजीविका काम कैसा चुनना चाहिए? सदृशं चेष्टे स्वस्य प्रकृतेर्गयान्वान्पि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अध्याय 3 श्लोक 33। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम आजीविका चुनी चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की जरूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। शिक्षा पाने का अच्छा तरीका क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। अध्याय 4 श्लोक 34। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार हैं वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुन्नी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा, जो गुरुवार से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। सेहत अच्छी रहे इसलिए क्या करें? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखः। अध्याय 6 श्लोक 17। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। गीता में लिखा है, आयु सत्वब्लारोग्य सुख पृथ्वी वर्धना। सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन प्राण शक्ति बल आनंद और उल्लास बढ़ाता है। खुशी सब चाहते हैं पर मिलेगी कैसे? मास पर शास्तु कौन ते शीतोष्ण सुख दु खदा आग्मा पायनो नित्यास्तान स्थिति क्षस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक 14। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखें। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है।